हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका एक छोटा सा प्रॉब्लम है, कैसे बड़े बड़े जो पैराग्राफ अगर लिखने होते हैं तो चुटकियों में लिख सकता हूँ, या ये कहें कि उनको मैं बोलता हूँ और वो लिखता है, तो कंप्यूटर पे ये कैसे हो सकता है, मोबाइल में ये कैसे हो सकता है, ये इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और आप में से कई लोगों को पता होगा बट हमारे सब्सक्राइबर्स में से एक को नहीं पता था, तो उन्होंने एक क्वेश्चन नीचे रेस किया। अगर आपको ऐसी कोई डाउट हो तो श्योर कमेंट बॉक्स में डालिए, अगर मैं कमेंट में रिजॉल्व कर पाया तो श्योर कमेंट में ही कर दूंगा, अदरवाइज मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं कि मोबाइल में ये कैसे करते हैं कि बोले और टाइप हो जाए, और लैपटॉप में ये कैसे करते हैं या कंप्यूटर पे कैसे करते हैं कि बोले और टाइप हो जाए। ओके, सो मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा गूगल इंडिक के लिए। मैंने पोको M2 Pro की भी वीडियो पे बताया था कि आप उसका कीबोर्ड निकाल करके गूगल इंडिक कीबोर्ड जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, सो ये गूगल इंडिक इंस्टॉल हो गया, इसे ओपन कर लेते हैं। तो इनेबल सेटिंग के लिए पूछता है, आप इनेबल सेटिंग्स में जाइए, गूगल इंडिक को आप टिक कर दीजिए, वो आपसे परमिशन वगैरह पूछेगा, आप उसका अलाउ कर दीजिए। सिलेक्ट इनपुट मेथड, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन है, किका कीबोर्ड है, चाइनीज फोन है ये इन्फिनिक्स का, इनफैक्ट आप एंड्रॉइड का कीबोर्ड या फिर गूगल इंडिक, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल इंडिक कीबोर्ड जो है वो यूज कीजिए। सेट परमिशन, अलाउ, एक्सेप्ट, ऑल सेट। यहाँ पे आप चाहिए तो आप ब्लैक रख सकते हैं, कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड कर देते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट इनपुट लैंग्वेज दिया हुआ है, तो इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज, आप हिंदी एंड इंग्लिश भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैं बैक कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके सर्च करना चाहता हूँ और मुझे मेरा मन है कि मैं उसको हिंदी में लिखूँ, तो सी यहाँ पे आपको एक साउथ इंडियन लैंग्वेज का आइकन आ रहा है, आप इस पर टिक कीजिए, हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। सी आपको हमारे देश की कितनी सारी लैंग्वेजेस मिल रही हैं, आपने हिंदी सेलेक्ट किया, ओके किया। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन आते हैं, या तो आप चाहिए तो आप जो आपको वर्णमाला है वो दिखाई देगी, या जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल वे है कि हम लिखें इंग्लिश में लिखेंगे तो टाइप हिंदी में हो जाएगा, तो मैं उस पर टिक करता हूँ, मुझे ये बहुत कन्वीनियंट होता है। आप लोगों की अपनी प्रायोरिटीज हो सकती हैं और आप इससे भी बेहतर कोई एप्लीकेशन शायद जानते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे सिंपल तरीका है, प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए और सेफ भी है। सो अगर अब मैं ऊपर इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो ABC पे टिक करूँगा, गूगल लिखूँगा तो गूगल इंग्लिश में आएगा, और मैं स्पेस देता हूँ और मुझे टाइप करना है हिंदी में गूगल, तो मैं अ पे टिक करूंगा, जो स्पेलिंग गूगल की है बस वो टाइप करना है, GOOGLE, तो आपको ऊपर इंग्लिश गूगल में भी दिख रहा है। और अगर आपको उसके अलावा लगता है कि नहीं वो गूगली हो सकता है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ओके, और आप इसको बैक स्पेस करके क्लियर कर दें। तो ये सबसे सिंपल तरीका मुझे लगता है आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी टाइप करने के लिए, एक ही कीबोर्ड पे लेआउट है, ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको स्पीक करके कैसे बोल सकते हैं। आप प्ले स्टोर में तो ऊपर आपको एक आइकन दिया है, लेकिन कई जगह पे आपको आइकन नहीं मिलता, जैसे आप नोट्स वगैरह रेडी करना चाहते हैं और बोल करके वो टाइप करें तो कैसे होगा। सो मैं अपने चैनल पर आ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये वीडियो ओपन कर लेते हो और आपको इसके नीचे कमेंट में लिखना है, कोई क्वेरी है जो आप सोचते हो कि मैं बोलूं और लिख जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जा सकते हो। यहाँ पे अब माइक का एक ऑप्शन अपीयर हो रहा है, यहाँ पे टिक करके आप लिख सकते हो, नाइस वीडियो, प्लीज मेक अनदर वीडियो अबाउट गुड लैपटॉप्स। ओके, तो यहाँ तक आप उसको प्रॉपरली इंग्लिश में लिख सकते हो। इसमें आपको लैंग्वेजेस का ऑप्शन आता है, आपको सेटिंग्स में जाना होगा, लैंग्वेजेस पे जाना होगा। यहाँ पे थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सी मल्टीपल लैंग्वेजेस मिल रही हैं, मराठी, गुजराती, नेपाली, लगभग कई एक रीजनल लैंग्वेज है, मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ भारत की, सेव कर दिया। प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश और अदर लैंग्वेज हिंदी। बैक पे आ गया, सी यहाँ पे मैं चाहूँ तो आगे इंग्लिश या हिंदी में लिख सकता हूँ। ओके, नहीं तो बहुत ही बढ़िया वीडियो है, ऐसी ही वीडियोस बनाते रहिए। देखा कितना सिंपल है, इस तरीके से मैं लंबे लंबे पैराग्राफ भी बोल करके लिख सकता हूँ। जैसे मोबाइल में आपने देखा कि गूगल इंडिक जो है
वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। वैसे ही लैपटॉप में गूगल ड्राइव की फैसिलिटी मैं यूज़ करता हूँ। सो सिंपली आप लॉग इन कर लीजिए जीमेल के अकाउंट से एंड ड्राइव पे चले जाइए। वंस अगेन मैं आपको बार बार ये बोलना चाहूँगा कि आप में से कई लोग जो हैं वो ऐसे टूल्स को यूज़ कर रहे होंगे जिससे आपकी टाइपिंग वगैरह ईजी हो जाती है। ये मेरा वे है और मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगता है। इसके अलावा पेड वर्जन भी बहुत सारे आते हैं, बट ये फ्री वर्जन है और काफ़ी सिंपली कहीं किसी भी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, चाहे वो गूगल इंडिक हो या फिर ये जो ऑप्शन मैं आपको गूगल ड्राइव पे बता रहा हूँ वो। सो इसे मैं बंद करता हूँ। मैं गूगल ड्राइव के मेन पेज पे आ गया। मैं अगर यहाँ पे एक गूगल डॉक की फाइल ले लेता हूँ, बेसिकली ये आपकी वर्ड फाइल ही है, यहाँ से आप कॉपी करके वर्ड में भी डाल सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी डाल सकते हैं, और चाहिए आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बोल करके लिखना है सेम चीज़। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं टूल्स पे जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आता है मुझे वॉइस टाइपिंग का, बहुत सिंपल, टूल्स पे गए, वॉइस टाइपिंग पे शिफ्ट किया। यहाँ पे इंग्लिश में ऑलरेडी है, माइक जैसा बटन है, सिर्फ इस माइक को प्रेस करना है, जब तक ये रेड रहेगा तब तक आप जो भी बोलोगे वो टाइप होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी प्लीज सब्सक्राइब के आगे मुझे टाइप करना है, क्लिक करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी सब्सक्राइबर, फुल स्टॉप। मैंने वापस से क्लिक किया, ये ग्रे बटन हो गया और यहां पर ये कंटिन्यूसली उसने लाइन टाइप कर दी। मैं इसमें बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ कंटिन्यू लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह के लिए भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि सब्सक्राइबर नहीं सब्सक्राइबर्स होते हैं। श्योर बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को, सो दैट वो जो एस है उसकी वैल्यू पड़े। एंड सी छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जो उन्होंने दे करके रखे हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लस अगर मुझे हिंदी में टाइप करना है, नेक्स्ट लाइन पे मैं गया, यहाँ पे मैंने इंग्लिश यूके की जगह पर जहाँ पे इंग्लिश यूके लिखा है वहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँगा, मल्टीपल लैंग्वेजेस वापस से गूगल इंडिक की तरह दिखेंगी, सी नेपाली मराठी हिंदी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। है ना सिंपल, आप बोल रहे हो और वो टाइप कर रहा है और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली आपको जरूरत होगी एक जीमेल अकाउंट की और एक ठीक ठाक चलने वाले नेट कनेक्शन की। बाकी सिंपल सा तरीका है, आप ड्राइव में जाते हैं, न्यू ओपन कर लेते हैं, न्यू में आप गूगल डॉक का एक वर्जन कर लीजिए और आप ऐसे पेज पे आ जाएंगे, वहाँ पे टूल्स में जाइए, टूल्स में वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन रहता है, आप उस ऑप्शन पे टिक कीजिए, आपको इस तरीके से हाईलाइटर आएगा, आप यहाँ पे लैंग्वेजेस बदल सकते हैं, मराठी है, नेपाली है और भी बंगाली वगैरह और भी लैंग्वेजेस यहाँ पे मिल जाती है आपको। और अदरवाइज अगर आपको इंग्लिश में लिखना होता है आप इंग्लिश यूके यूज़ कीजिए एंड इट विल टाइप वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो चाहोगे। सॉरी मैंने हिंदी नहीं चूज़ किया तो इसे हिंदी कर देते हैं, नीचे आ जाता है स्क्रॉल करके, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूके ही रहता है, हिंदी चूज़ किया, आप जो चाहोगे वो यहाँ पर बोलने मात्र से लिख जाएगा। शुक्रिया, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ बने रहिए। वंस अगेन ये जो कह रही थी मेरे एक सब्सक्राइबर की थी, और आपको अगर ऐसी भी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने बहुत बार सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट कर दिया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए। टेक केयर, बाय।